आज तक मैंने कभी ऐसे नहीं देखा। जो रूम है वो मॉल के अंदर है। दिस इज क्रेजी। मतलब मैंने दिए अराउंड 287 रुपीस। तो हाय गाइस, तन्मय दिस साइड फ्रॉम ट्रैवलिंग भाजी, और आज के वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज मैं चेकआउट करने वाला हूँ जिसे कहते हैं अहमदाबाद के डॉर्मेट्रीज। तो मैंने आपको जयपुर के हॉस्टल सिखाए, मैंने आपको आगरा के हॉस्टल सिखाए। बेसिकली जैसे हॉस्टल कल्चर है ना, ये आपका थोड़ा बाहर से आया, मतलब आउटसाइड इंडिया से आया। क्या हो रहता है कि यहाँ पे आपको बेड मिलते हैं, आपको रूम नहीं मिलते, आपको बेड मिलते हैं और आपको शेयरिंग फैसिलिटीज़ मिलती है। जैसे मैंने आपको मुंबई का अर्बन पॉट दिखाया था, वो भी एक हॉस्टल था। तो इसमें क्या होता है, आपको बंक बेड मिलते हैं, ऊपर नीचे वाले बेड होते हैं ना, वो मिलते हैं, और आपके फिर वॉशरूम शेयरिंग होता है, सही सा कॉमन रूम होता है। अब यहाँ पे क्या है ना, इन्हें कहते हैं डॉर्मेट्रीज अहमदाबाद में। तो डॉर्मेट्रीज और बेसिकली मेरे को तो हॉस्टल जैसा ही लगता है, पर वैसा कुछ है नहीं। मतलब क्या नहीं है, हम लोग साथ में मिलकर इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे कैसा है कैसा नहीं है। चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे है कि ये बहुत चीप होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं। लाइक आपको मैक्सिमम 350 तक का एक बेड मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा एसी वाला। वीडियो स्टार्ट करते हैं, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपने कभी ऐसा हॉस्टल या डॉर्मेट्री में स्टे किया है, बिकॉज स्टेज बहुत ही वियर्ड होते हैं यहाँ पे। एनीवे, बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड फ्यू। बिल्कुल बॉस, 6-star रेटिंग। पहली लोकेशन पे जो है सनशाइन डॉर्मेट्री, डायरेक्ट एयरपोर्ट से ही आ रहा हूँ। बहुत अच्छे ऊबर ड्राइवर थे हमारे। बेसिकली अहमदाबाद में हॉस्टल वगैरह को डॉर्मेट्री कहते हैं। चीप सस्ते में आप कैसे अपना होटल वगैरह ले सकते हैं। ऊपर चलते हैं, देखते हैं। एक्चुअली में मैं ऊबर ड्राइवर से बात कर रहा था, होलसेल की मार्केट है, उसमें ये डॉर्मेट्री है। तो अभी बस मैं अपना सामान वामान रख के आया हूँ सनशाइन डॉर्मेट्री पे, जो पहली जगह है इस वीडियो की। जो बेसिकली इसमें दो डॉर्मेट्रीज होने वाली है, एक सनशाइन और दूसरी वाली आगे चल के रिलीफ रोड रतनपुर। तो ये बेसिकली एक होलसेल की मार्केट है, और जो मतलब जो डॉर्मेट्री पे है वो भी थर्ड फ्लोर पे है। वो सारी दुकानों के ऊपर ऊपर जा के एरिया बड़ा अजीब सा है, वियर्ड सा एरिया है। जो रूम तो नहीं है, मतलब जो बंक, मतलब इट्स बड़ा अजीब सा हिसाब है इसका भाई। बेसिकली एक फ्लोर है जिस पे आई थिंक अराउंड 25-27 के आसपास बेड्स के आसपास हैं। इस लाइक अगर आपको जैसे रेलवे स्टेशन पास में ना, यहाँ से कौन सा वाला है, अहमदाबाद जंक्शन। अच्छा, मेरी वापसी की जो ट्रेन है वो भी अहमदाबाद जंक्शन से ही है। तो वहाँ अगर जैसे ऐसे है कि आपको कुछ काम है, आप एक दिन रुके हो या दो दिन रुके हो, स्टेशन के पास ही रुकना है, तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बहुत रीज़नेबल है। वैसे तो वहाँ पे अगर आप बुकिंग करते हो तो आपको 400 रुपीज़ देने पड़ते हैं, बट आई थिंक आई पेड समथिंग अराउंड, चेक करते हैं। मैंने दिए अराउंड 287 रुपीज़। ऑनलाइन बुकिंग करने का कभी बार ये फ़ायदा हो जाता है कि मेरे को अराउंड आई थिंक सस्ते का भी और सस्ता हो गया। बढ़िया आपकी साबरमती रिवर। जो बेड्स बेसिकली मैं कहूँगा दे वर लाइक गुड। स्टोरेज एरिया दिया हुआ था, मेरे को एक की भी मिला है सामान वगैरह रखने के लिए। अगर आपका सूटकेस वगैरह वो आप बेड के नीचे रख सकते हैं। वॉशरूम्स आर फाइन, मतलब जैसे पूरा होता है ना। बेसिकली ये जो है ना, दीज आर नॉट लाइक, ये वो वाले हॉस्टल्स नहीं हैं जिनमें आप जाते हो, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, बात वगैरह करते हो। यहाँ पे सबको अपने से अपने मतलब होता है। ये बेसिकली वो वाले हॉस्टल्स हैं जहाँ पे आपको एकदम एक या दो रात रुकना है और आपको एकदम पूरे पूरे दिन बस आपको आके सोना है और सस्ते में काम करना है। ये वो वाली चीज़ें हैं, सस्ता होना मेन है। और यहाँ पे 287 रुपीज़ का अगर आपको मिल रहा है एक दिन का रूम, विच इज़ आई थिंक अनबिलीवेबली चीप। बाकी जब रात को पहुँचते हैं तो बताता हूँ लोग वगैरह जब आते हैं तो कितना कैपेसिटी रहता है, और फाइंड आउट करते हैं विच इज़ द बेस्ट डॉर्मेट्री और / हॉस्टल इन अहमदाबाद। फाइनली अब रात को आ गए हैं। पर एक चीज़ बहुत अच्छी है, स्टेशन के बहुत पास में, बहुत ज़्यादा, तो आप लोगों को काफ़ी आराम होता है। ये चेकआउट करना था, एक पानी की बॉटल ली थी रात में। हाँ हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू जी।
ओ भाई साहब, तो मेरा चेकआउट हो चुका है सनशाइन डॉर्मेट्री से। 3 फ्लोर ऊपर है, यहाँ पे बैग की दुकान है, कपड़े की दुकान है, ये दुकान है, वो दुकान है। ये जो है ये रहा सनशाइन डॉर्मेट्री का बोर्ड। और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस वहाँ पे ठीक रहा, मैं सोया बहुत था, मैंने 2 बार शावर लिया, रात में भी बहुत लेट आया था तो थक गया था। दिस इज़ नॉट लाइक योर हॉस्टल, हॉस्टल वो वाला कल्चर नहीं है, पर ये थोड़ी सी अलग चीज़ है। नेवरदलेस कुछ अलग करा। ये मेरी ऊबर आ गई है, इको। सामान इधर ही रख देता हूँ ना, रानी बनकर। ये यहाँ से रेलवे स्टेशन बहुत पास में है ना। अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी दूसरी जगह पे, वो भी डॉर्मेट्री है, बट वो जो है वो इलाका थोड़ा सा बाहर हो जाता ना, तो ये भी बहुत सस्ता था। ये 250-300 का था, वो भी 200-250 का है। वो अगर आपको न्यू सिटी में कुछ काम है और वो है तो उस हिसाब से, बट अगर आपको ओल्ड सिटी में रेलवे स्टेशन के पास चाहिए तो यहाँ पे। अभी हम लोग जा रहे हैं एकदम, ये है पुराना शहर। यहाँ पे क्या है, जैसे अब तो रिवर के इस साइड जो है वो पुराना शहर है, रिवर के इस साइड जो है नया शहर है। तो अभी वो पीछे जो गई वो थी साबरमती रिवर, और उसके पीछे के साइड हम लोग थे पुराने अहमदाबाद में। अब हम लोग आ गए नए अहमदाबाद में। हाँ हाँ, तो हम लोग आ गए हैं और ये भी बढ़िया जगह पे आया है एकदम। बेसिकली ये डॉर्मेट्रीज मुझे समझ आया है, जो गुजरात में डॉर्मेट्रीज हैं मेजर ट्रांसपोर्ट एरिया के पास में है, और ये तो एकदम ही बस टर्मिनल पे है। और ये बहुत ही बढ़िया मतलब जगह लग रही है। यहाँ पे PVR भी है, सबवे भी है, रिलायंस डिजिटल भी है, हेरिटेज बाज़ार है, बहुत सारी चीज़ें यार इस मॉल में। मतलब बहुत क्रेजी है कि ऐसे मॉल में डॉर्मेट्री बना रखी है, बट वेरी गुड। गुजरात इज़ आर द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव एंड द मोस्ट क्रिएटिव पीपल आई हैव मेट। यहाँ पे मैं किसी से बात कर रहा था तो कह रहे थे, लोकल कह रहे थे ये डी मार्ट मॉल है, लोग यहाँ को इसको डी मार्ट मॉल से जानते हैं। आज तक मैंने कभी ऐसे नहीं देखा, जो रूम है वो मॉल के अंदर है। दिस इज़ क्रेजी, मतलब आई कॉन्ट बिलीव हाउ क्रेजी दिस इज़। ये मेरे को उससे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कह रहा हूँ ना, ये गुजराती लोग जो है ना एकदम बढ़िया बिजनेस मैन है, और इतनी बढ़िया क्रिएटिविटी करते हैं ना। पूरा इन एंड आउट डॉर्मेट्री। हाँ, बस स्टैंड वाली साइड से आऊँ तो मैं रात को 1-2 बजे भी आ सकता हूँ। रहने की उत्तम सुविधा है। $150, बड़ी जगह है ना बहुत। इस बैग को कहाँ रखूँ, कोई रखने की जगह? इधर ही रख दूँ, इधर ही रख दूँ चलेगा। दिस इज़ लाइक एन एक्चुअल हॉस्टल। तो अभी हम लोगों को चेकआउट करने का टाइम हो गया है इस डॉर्मेट्री से, जिसका नाम है नाइट इन एंड आउट डॉर्मेट्री। और मैंने आपको बोला था कि जब मैं दोनों में रह लूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कौन सी बढ़िया और कौन सी नहीं है। जितना बेसिकली मेरे को समझ आया है ये डॉर्मेट्रीज के बारे में, ये बेसिकली जो हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बेस्ड है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नेटवर्क पे बेस्ड है। तो जैसे जो मैंने आपको पहली वाली डॉर्मेट्री दिखाई थी वो बहुत पास थी रेलवे स्टेशन के, और ये तो बिल्कुल ही नीचे, मतलब 2nd फ्लोर पे है ये, और नीचे जो है बस स्टैंड है, रानी बस स्टैंड। तो यहाँ से आपको उदयपुर के लिए, मतलब राजस्थान और दिल्ली के लिए बसेस मिल जाएगी यहाँ से। तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर आपको बस से ट्रैवल करना है तो आप यहाँ पे आइए, और अगर आपको रेलवे स्टेशन से ट्रैवल करना है तो आप वहाँ पे जाइए। आई वुड रिकमेंड आपकी वहाँ पे ना जाके यहाँ पे आइए, क्योंकि ये दिस इज़ द क्लोजेस्ट टू व्हाट आई कंसिडर हॉस्टल्स। मैं बात कर रहा था अभी कि कितने बेड्स हैं यहाँ पे, तो बोल रहे थे 150 बेड्स है। बहुत बड़ा एरिया है, गर्ल्स का अलग है, बॉयज़ का अलग एरिया है। और मैं एक आपको छोटा सा बेड टूर दूँ यहाँ पे, तो ये एक मतलब आपका स्पेस है, बेड स्पेस है। यहाँ पे आपको लॉकर मिलते हैं, इसमें आप काफ़ी सामान रख सकते हो और बहुत हेल्प होती है। कल मैंने अपना सारा सामान इसमें चार्ज करा था रात में। यहाँ पे आपको ये लाइट भी मिलती है, और अभी आप देख रहे होंगे थोड़ा सा मेरे को पसीना भी आ रहा है इसलिए, क्योंकि यहाँ पे ना AC अभी लगा तो हुआ है पर वो चलते नहीं है। AC मोस्टली डॉर्मेट्रीज या हॉस्टल में ना रात में ही चलते हैं, क्योंकि लोग वही लोग यहाँ पे आते हैं जो पूरे दिन भर यहाँ पे रहते नहीं हैं। दिन भर अगर किसी को रहना होता है तो वो होटल वोटल लेता है, प्राइवेट रूम। पर्दे लगे हुए हैं पूरे पूरे, आप पर्दे करके आप सो सकते हैं। तो आपको जैसे इसमें ये इधर पर्दा लगा हुआ है, इधर पर्दा लगा हुआ है, तो उससे क्या रहता है आपको ना बहुत प्राइवेसी रहती है।
लाइन्स है सारे पे और इधर भी लाइन्स है, तो मतलब वहाँ पे कुछ 28 के आसपास बेड्स थे, तो वहाँ पे लाइन्स थे तो बड़ा ऐसे मतलब जैसे लगता ना कि ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बेड्स टाइप का लग रहा था वो। उसकी ना वाइब्स मेरे को बड़ी ही डिप्रेसिंग सी वाइब्स थी। दिस इज़ अ वेरी मॉडर्न एंड दिस इज़ वेरी, जैसे कहते हैं ना वो वाली वाइब्स कि हाँ मतलब कुछ आप नया कर रहे हो, आप कुछ नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो। देखिए ट्रैवलिंग जो है ना वो है ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, नए कल्चर सीखना। अब यहाँ पे मैं अहमदाबाद में आया तो मैंने ये नई चीज़ सीखी है डॉर्मेट्रीज के कल्चर की। ये आप जो ये वाला देख रहे हैं ना इसके शेड के नीचे, वो बेसिकली बस स्टैंड है। यहाँ पे एक ही इधर ही आगे ईटिंग एरिया है और उधर ही आगे वॉशरूम्स है और उधर ही आगे रिसेप्शन है। बेस्ट चीज़ यहाँ पे ये है कि ये मॉल के अंदर बना हुआ है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट करके बताना कि आप कौन सी कैसी कैसी वीडियोज़ देखना चाहते हो। तो अगली वीडियो से लग्जरी सीरीज स्टार्ट होने वाली है, हम लोग बहुत लग्जरी होटल्स ट्राई करने वाले हैं अहमदाबाद में। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप वो मिस ना कर दे कंटेंट, क्योंकि बहुत क्रेजी होने वाला है। मैं तन्मय फ्रॉम ट्रैवलिंग बाजी अब आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एंजॉयिंग एंड ऑलवेज कीप ट्रैवलिंग। बाय बाय। तो ये वाला मेरा बेड था, सारी पैकिंग वैकिंग हो गई है, सारा सामान वामान चेक कर लिया है, लाइट्स ऑफ करके अब निकलते हैं। ये बस डिपो का साइड है और ये देखो ऊपर वो PVR सिनेमाज है उधर, और ये बिल्डिंग देखो कैसे मस्त बना रखी है, एकदम बढ़िया। जिसे अपना गुजराती में जैसे कहते हैं ना, बहुत सरस छे, बहुत सरस छे।